जय श्री कृष्णा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में अंक ज्योतिष आपके लिए क्या पूर्वानुमान दे रहा है। अक्टूबर के इस मंथ में आपके जीवन के किस क्षेत्र में चैलेंजेस हैं और किस क्षेत्र में खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। साल 2024 में शनि की एनर्जी पूरे वर्ष हमारे साथ चलेगी। अक्टूबर मंथ की सूर्य राशि है तुला राशि, जो 17 अक्टूबर से प्रभावी रहेगी। 17 अक्टूबर से पहले सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिस कारण आप सभी 1 से 9 अंक वालों में, खास करके कोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट संबंधी कार्यों से जो लोग जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाला लोगों के लिए ये समय काफी अफेक्टिव रहने वाला है। इस मंथ आप सिक्के के दोनों पहलू पर भली भांति सोच विचार करके ही आगे कोई निर्णय लेंगे। इस मंथ आपको सही क्या है, गलत क्या है, इन सभी बातों से आप रूबरू होंगे, जिस कारण आपका विजन भी क्लियर होगा और आपको अपना रास्ता तलाशने में आसानी रहेगी। मंथ के शुरुआती समय में सूर्य का कन्या राशि में होना दर्शाता है कि बारिश का मौसम अभी और ज्यादा प्रभावी रहेगा, जिस कारण देश दुनिया में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ सकते हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग बढ़ने का भी खतरा बन सकता है। साथ ही बरसाती मौसम के अफेक्ट आपके शरीर के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव को दिखला रहा है। शनि का राहु के प्रभाव में होना ये बतलाता है कि भ्रम और शंकालु की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बनी रहेगी। आपकी लव लाइफ पर इसका असर दिखा जा सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सतर्क रहें और समझदारी का परिचय दें। ये समय आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं रहने वाला। अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतनी है। अपनी मैरिड लाइफ में भी आपके भ्रम और शक जैसी बातें आपके रिश्ते को नाजुक बना सकती है। आपके वर्क प्लेस पर अगर आप ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, काम में लापरवाही या काम ना करने वालों के लिए ये समय मुश्किलों भरा रह सकता है। अक्टूबर के प्रथम शुरुआती समय में देश के कई राज्यों में कानून व्यवस्था में गड़बड़ी के संकेत मिल सकते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ सकते हैं, साथ ही कुछ आर्थिक घोटालों के भी संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, युवा वर्ग जो बेरोजगार है उनमें आक्रोश देखने को मिल सकता है, किंतु अधिकांश लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ स्टेबिलिटी लाने वाला रहेगा। पुरानी आदतों और पुरानी शिकायतों से बाहर निकलने का ये सही मौका रहेगा। दूसरों के सहयोग से कैरियर में आपको कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। वहीं बात अगर देश दुनिया की जाए तो जिन देशों की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनी रहेगी। युद्ध से जूझ रहे देशों को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। नए स्कैंडल देखने को सुनने को मिल सकते हैं, जिस कारण खुफिया विभाग अलर्ट रहेगा। अक्टूबर के इस मंथ में आप सभी 1 से 9 अंक वालों के लिए पर्सनल मंथ का नंबर निकल कर आता है 18 का अंक। सूर्य और शनि के मिलने से यहाँ पर मंगल की एनर्जी बन रही है, जो आपके स्ट्रगल को दर्शाती है। हालांकि अलग अलग मूलांक वालों पर इसका प्रभाव अलग अलग ही देखने को मिलेगा। तो बात अगर अंक 8 की कर ली जाए तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक बनता है 8। जिनका भी मूलांक या फिर भाग्यांक 8 का अंक है उनके लिए अक्टूबर के इस मंथ में पर्सनल नंबर निकल कर आता है 26 का अंक। चंद्रमा और शनि के मिलने से यहाँ पर शनि की एनर्जी बन रही है। अक्टूबर के इस मंथ में अंक 8 वालों पर 6, 8 और 9 के अंक का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर का यह मंथ आपके कैरियर को लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। यदि आपका अपना खुद का बिजनेस है और आप अभी तक उसमें कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं बल्कि नुकसान पा रहे हैं, तो इस मंथ आपकी सभी नुकसानों की भरपाई होने का बहुत ही अच्छा मौका है। कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या पुनर्स्थापित करने के लिए कर्जा लें। आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि कर्जा उतना ही लें जितना आप उतार सकें। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है जो उनके करियर को लाभ पहुँचाएगा। आप में से कुछ 8 के अंक वाले अपने फाइनेंस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रचुर मात्रा में फाइनेंस रिसोर्स कैसे प्राप्त करें, इस दिशा में कुछ व्यवहारिक रूप से आप कदम उठा सकते हैं। इस मंथ आपकी कड़ी मेहनत और आपकी उच्च महत्वाकांक्षाएं रंग अवश्य लाएंगी। आप में से कुछ लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बेहतरीन विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आपको अपने कैरियर में भी नई ऊंचाइयां छूने को मिल सकती हैं। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का अच्छा रिजल्ट पाने का ये एक बेहतरीन मंथ साबित हो सकता है।
आप में से कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, फार्म हाउस या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन या खनन खुदाई के काम से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि आपको सफलता कुछ देरी से मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको अवश्य फेस करनी पड़ जाती हैं, लेकिन आप ना तो हिम्मत हारते हैं ना ही प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं, और अंत में आपको सफलता भी मिलती है और स्टेबिलिटी के साथ सफलता मिलती है। विपरीत परिस्थिति में हिम्मत ना हारना, यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मंथ आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी यही एनर्जी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखें और हो सके तो अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। भूल कर भी कटाक्ष वाली बातें किसी के साथ ना बोले, वरना विवाद बढ़ गया तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस मंथ आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एक और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी और पर्सनल लाइफ में थोड़ी कड़वाहट रह सकती है। आपके बीच में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है या कोई मतभेद हो सकता है या किसी बात की शंका की अवस्था बन सकती है। अपने प्रेम संबंधों में आपका मन मुटाव या तक कि विवाद भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मैरिड हैं तो विवाहित जीवन में परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। रिलेशनशिप में हैं तो आप भावनात्मक रूप से अलगाव या एकांत की अवस्था महसूस कर सकते हैं। और जो महिलाएं खासकर सिंगल हैं, उन्हें किसी साथी की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि इस मंथ, इस समय में आप किसी के साथ भी प्रतिबद्ध ना हो, यानी किसी के भी आगे दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। हाँ, अक्टूबर का लास्ट वीक तक आते आते आपकी लाइफ में भी कोई एंट्री कर सकता है। किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते समय आपकी किसी से दोस्ती बढ़ सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मंथ आप फाइनेंशियली भी खूब अच्छा करेंगे और साथ ही आपके कैरियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको अपने सीनियर्स के साथ और अपने कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने हैं, क्योंकि किसी बात पे अगर मन मुटाव हो गया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस मंथ अगर आप अपने पुराने काम को बंद करके नया काम शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा काम में कोई नई टेक्निक को शामिल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। कुछ नया एक्सपेरिमेंट आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा, और इन सब के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और यही कारण है कि रिश्तों में आपके निरस्ता देखी जा सकती है। अगर आप इसके लिए समय निकालते हैं तो रिश्ते में भी अनुकूलता बनी रहेगी, बस कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी ना आने दें। स्टूडेंट्स की बात करें तो अपनी पढ़ाई में थोड़ा आलस दिखा सकते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग शुरुआती समय काफ़ी अचीवमेंट वाला रह सकता है, इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो मौसमी परिवर्तन आपको हेल्थ इशू दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान दें। तनावपूर्ण स्थिति आपको ज़्यादा डिप्रेस कर सकती है, इसलिए तनाव बिल्कुल भी ना आने दें। सोने से पहले अपने मन और शरीर को आराम देने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सेंधा नमक गुनगुने पानी में डालकर उसमें अपने पैर डुबो कर रखें, और उसके बाद सरसों के तेल से अपने पैर के पंजों की मालिश करें, और इन सब के साथ साथ धीमा म्यूजिक सुनते सुनते नींद में खो जाएं। 8 घंटे की अच्छी नींद आपके तनाव को तो दूर करेगी ही, अगले दिन के लिए आपको रिफ्रेश रखेगी। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए।
मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।